हेलो एवरीवन, प्रकृति प्राइम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी बाल विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विकास की अवस्थाएं, जो आपके चाहे आपका सी टेट है और चाहे आपकी यूपी टेट है, कोई भी है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज नज़र डालेंगे हम विकास की अवस्थाओं पर। चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, शेष अवस्था। शेष अवस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष होता है ना, लिखा होता है 0 से 5 वर्ष या कहीं कहीं लिखा होता है 0 से 6 वर्ष। आगे बात करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपकी होती है 5 से या 6 से 12 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था आपकी 5 या 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत होती है। आगे बात करेंगे किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था आपकी 12 से 18 वर्ष या कहीं कहीं 19 वर्ष भी लिखा होता है। ठीक है, किशोर अवस्था को टीनेज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था आपकी 18 के बाद प्रौढ़ अवस्था शुरू हो जाती है। चलिए आगे जानते हैं शेष अवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियां। शेष अवस्था जो आपकी होती है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। शेष अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है और आपकी परीक्षा में ये पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के ये पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सीखने का आदर्श काल, कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो शेष अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, खिलौनों की आयु, तो शेष अवस्था को कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला किसे कहा गया है, शेष अवस्था को कहा गया है। ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था शेष अवस्था को कहा गया है। तो आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, तो वेरी मोस्ट आपके क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शेष अवस्था। शेष अवस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तथा बच्चा रेंगना, चलना और बोलना, किसने, क्रोनिकरो ने ये बात कही है। रेंगना मतलब बच्चा जो है घुटनों के बल चलता है, कोई कोई बच्चा पेट के बल खे सकता है ना। तो ये सभी अवस्था क्या है, ये आपकी शेष अवस्था के पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जानेंगे इससे मिलते जुलते महत्वपूर्ण जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे गए हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल किसे कहा जाता है, तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था यानी चित्रों के माध्यम से सीखना, कौन सी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 5 वर्ष की आयु बच्चा जब पूरी कर लेता है, 5वें वर्ष में बच्चा चलता है, उस समय बच्चों को स्कूल भेजना चालू कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं। ठीक है, सामान्य बालक तो 9 से 15 माह के माध्यम में बच्चा ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है, ध्वनि उच्चारण है ना कि शब्द। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजना पूर्ण होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा होता है, उत्तेजना पूर्ण होता है ना, यानी कि इस बच्चे के अंदर जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक उत्तेजना होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये रहा। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो अपने बड़ों को देखता है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो जो वो कहते हैं उनके पीछे पीछे बच्चा ऐसे ही बोलना शुरू कर देता है, तो वो दोहराने की अवस्था शेष अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है,
ठीक है, क्या है? फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। आप ध्यान देंगे इस बात पे कि फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण लड़कियां अपने पिता को प्रेम करती हैं, या लड़कों में वो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण लड़के अपनी माँ को ज्यादा पसंद करते हैं? तो ओडिपस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो एक वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास कौन सी उम्र में हो जाता है? है ना, तो स्वप्रेम की भावना यानी शैश अवस्था में हो जाता है। स्वप्रेम यानी नैसर्गिक उम्र। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित रहती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विकास की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के, कि विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि एक समय पे रुक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय बालक या बालिका लगभग तो 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाता है? तो जन्म से पूर्व ही दांत बनने शुरू हो जाते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि दांत बनने भाई जन्म के बाद शुरू हैं, तो दांत बनने जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाते हैं। शैशव काल का नियमित समय होता है जन्म से 6 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं 5 वर्ष लिखा होता है तो वो भी सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्व केंद्रित अवस्था यानी अहम केंद्रित अवस्था तो शैश अवस्था को कहते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था? फॉरवेल ने किया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था? फॉरवेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूख और प्यास है क्या एक जन्मजात प्रेरक है? ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बच्चों की निशुल्क शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो समावेशी शिक्षा नाम दिया गया है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट जो है वो डाल्टन प्रणाली की जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं तो 1/2 पिता पक्ष से प्लस में 1/2 माता पक्ष, यानी कि आधे आधे माता पिता से दोनों से आते हैं। शैश अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करना शैश अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है? कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है? तो आपका है गोडार ने किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शैश अवस्था के अंतर्गत आ रहे हैं उन पे ही हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं। जन्म से 6 वर्ष की आयु होती है शैश अवस्था। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैश अवस्था 6 वर्ष तक मानी गई है, है ना। 6 वर्ष तक आयु को कहते हैं। कहीं कहीं क्या है 5 वर्ष होता है, 0 से 5 वर्ष यानी जन्म से 5 वर्ष तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है शैश अवस्था में ही। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए व्यर्थ थे। परीक्षा देने जाने से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं यानी शैश अवस्था जो होती है
वो कैसी कल्पनाएं करती है, तो वो अर्ध स्वप्नों में रहती है। कहवा क्वेश्चन होता है कि अर्ध स्वप्नों में कौन सी अवस्था में बच्चा रहता है, तो शेष अवस्था में रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 51 सेंटीमीटर या कहें 20 इंच होती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। ठीक है, शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहाँ है, किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है, तो शेष अवस्था में होता है। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शेष अवस्था में होता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया होती है गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। ठीक है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलेगी, गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। शेष अवस्था में वृद्धि, ठीक है, तीव्र होती है। जन्म से किशोर अवस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ जाती है शेष अवस्था में पड़ जाती है। ठीक है, शेष अवस्था में पड़ जाती है। शेष अवस्था में 4 संवेग होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये सभी ये 4 संवेग कहलाते हैं, जो शेष अवस्था में ही पाए जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है आपका, शेष अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कहा गया है, किसने, एडलर ने कहा है। शेष अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये कहा है एडलर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही वह बन जाता है, कथन किसका है, तो आप इस चीज को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही है कि जो मनुष्य कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। आगे बात करेंगे, शेष अवस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट। शेष अवस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत 20 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 270 पाई जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके शेष अवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत और भी आपके शिक्षण के कुछ क्वेश्चन रखे गए थे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे बच्चे की शेष अवस्था आपको बता दिया गया है, इसके अंतर्गत ये मान लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कोई भी परीक्षा है आपकी अध्यापक से रिलेटेड, तो आपके इसमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इससे काफी लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो बाल्यावस्था का लेके आएंगे। बाल्यावस्था के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, नमस्कार।